सोच सकते हो मानसिक स्थिति लोगों की क्या है कि डेड बॉडीज के साथ पोर्नोग्राफी शूट कर रहे हैं। व्हाट द फक, मतलब सॉरी बट बोलना नहीं चाहिए, बट वाकई गालियां निकलती हैं ऐसे लोगों के लिए। 150 मिलीग्राम सीमेन मिला, वो एक बंदे का तो नहीं हो सकता ना। 15 ml ये गैंगरेप है, ये गैंगरेप है। 15 ml एक बंदे का सीमेन हो सकता है? बेटी थी कैसे, माँ बाप ने कितनी उम्मीदों से क्या सपने देखे होंगे, सारे सपने उसके तार तार हो गए। यही डॉक्टर है, उसके साथ ये कांड हो रहा है, मतलब बच्चे जाए कहाँ? हर चीज के लिए हमें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, रोडों पे उतरना पड़ रहा है, हम रोड पे उतरने के लिए नहीं बने ना। तो मुझे ये लगता है कि हर बार मांगना क्यों पड़ता है हमें जस्टिस, अगर बिना हमारे कहे सुने अगर ये कर दिया जाए हमें प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ता है? हर बार हमें ये अपने लिए लड़ना क्यों पड़ता है? हम क्यों नहीं सेफ फील कर सकते? अगर हमें लड़ना ना पड़े, हमें बिना कहे कुछ मिल जाए, तो शायद इन लोगों के मन में इस चीज़ का डर रहे, ऐसे भयानक क्राइम नहीं करे। और हमेशा से ये RG मेडिकल कॉलेज में होता आ रहा है, इतने सालों से वहाँ की गवर्नमेंट पुलिस क्या कर रही थी, सुसाइड डिक्लेयर कर रहे थे इतने कि 2001, 2003, 2017, 2019, 2023 23 में दो दो डेथ्स हुई हैं। लगातार सीरीज है वहाँ पर इस तरह की, सीरीज हो रही है ऐसा आप क्राइम पे। क्राइम तक की आप रिपोर्ट देखिएगा, उसमें 2001 में एक लड़के का सुसाइड हुआ है, देन उस सुसाइड में ये चीज़ क्लियर हुई बाद में हाईकोर्ट में मैटर गया, पहले बोला कि उस लड़के ने सुसाइड किया है, तो उसकी पेरेंट्स ने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि मेरा बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, वो सुसाइड करेगा क्यों, कोई ऑप्शन होना चाहिए ना सुसाइड करने के लिए। तो जब वो पूरा केस ओपन हुआ है तो TNT की शायद रिपोर्ट थी, तो उसमें क्लियर किया गया कि वहाँ पर एक पोर्नोग्राफी वगैरह वहाँ पर चलती है, पोर्न मूवीज़ शूट होती हैं, उस लड़की उसकी कोई फ्रेंड थी तो डेड बॉडीज़ के साथ होती हैं। आप सोच सकते हो मानसिक स्थिति लोगों की क्या है कि डेड बॉडीज़ के साथ पोर्नोग्राफी शूट कर रहे हैं। व्हाट द फक, मतलब सॉरी बट बोलना नहीं चाहिए, बट वाकई गालियां निकलती हैं ऐसे लोगों के लिए। और उसमें उसकी कोई दोस्त थी उस लड़के की, उस वो दोनों डॉक्टर थे, तो उसकी कलीग का बर्थडे था, उसकी फ़ोटो को उस डेड बॉडी के साथ जो है क्लिक कर दिया गया, लगा दिया गया और दिखाया गया कि मूवी पॉर्न मूवी शूट हुई है। तब उसने अपने दोस्त को बताया, तो उन लोगों ने जा करके जो भी मैनेजमेंट था पूरे उसको बताया कि ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हैं, तो उसमें उस लड़के को धमकी दी गई और 2001 में उसको मार दिया गया और उसको एज अ सुसाइड डिक्लेयर किया गया। तो आप लोग खुद ये, मतलब मैं जान चाहती हूँ कि जनता जो है ना इन चीज़ों को देखे, और राइट की बात नहीं है, आप बराबर तो समझो ना, बराबर क्यों नहीं समझ रहे हो भाई? मतलब आप एक डॉक्टर जो 36 आवर्स काम करता है, ठीक है, किसकी सेवा कर रहा है, हमारी कर रहा है ना, ठीक है, हम पब्लिक सर्वेंट, हम सब, मैं खुद UPSC की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मेरी सिस्टर डॉक्टर है, तो हम पब्लिक की सेवा करने के लिए आए हैं और पब्लिक हैवानियत दिखाएगी। और ये भी सुनने में आ रहा है आखिर ममता बनर्जी बचा किसको रही हैं, इट मीन्स इसको सेव करने की कोशिश करिए, exactly. क्या सेव करने की कोशिश करिए? CBI जब यहाँ पे, अगर CBI की एंट्री नहीं होती, इसमें कोर्ट अपना एक्शन नहीं लेती, तो शायद ये रीओपन, ये केस खुलता ही नहीं। इस भयानक स्थिति में उसका रेप हुआ, इस भयानक तरीके, एक शरीर की हड्डी नहीं बची है, टूट गई है, उसके बाद भी आप बोलेंगे सुसाइड केस है, ये एक तरीके का। आप सुनना चाहूंगी, ममता बनर्जी रैली निकाल रही है, आप किसके अगेंस्ट रैली निकाल रही हो? अपनी अगेंस्ट। आप चीफ मिनिस्टर हो वहाँ की, जब आप ही रैली में उतरी हो तो दुनिया वहाँ प्रोटेस्ट कर रही है, हाँ, तो पब्लिक किससे डिमांड करेगी कि हमें राइट्स दो ना? जैसे अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर क्या, मैं रैली निकालूंगा, तो इंडिया के सारे पब्लिक कहाँ जाएगी? जब ये बंदा ही रोड पे, इसको ही अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, पावर आपके हाथ में दी गई ना, पब्लिक ने आपको चुन के भेजा है, आप ही प्रोटेस्ट में उतर जाओगे, आपके हाथ में राइट्स है। 5 दिन आप कर क्या रहे थे, आपकी लोकल पुलिस कर क्या रही थी, वहाँ के जो IPS ऑफिसर हैं, जो कमिश्नर हैं, वो कितने बौखलाए हुए हैं कि हम हेल्प कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप 5 दिन से तो आपने सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। अरे भाई, उस लड़की की जिस तरह बॉडी पाई गई है, आप उसको सुसाइड कैसे डिक्लेयर कर सकते हो? डिनाई कर रहे हैं वैसे कि हमने सुसाइड डिनाई, हर क्राइम करने के बाद यही कहता है ना कि मैंने तो एक क्राइम किया ही नहीं है, अब बचना है तो करेंगे क्या, यही बोलेंगे ना, उनके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं बचने के लिए। खैर देखते हैं, उम्मीद है कि CBI इसको गैंगरेप के लिए कह रहे, जो सीमेन मिला 150 उसको भी 150 मिलीग्राम सीमेन मिला, वो एक बंदे का तो नहीं हो सकता ना। 15 ml ये गैंगरेप है, ये गैंगरेप है, 15 ml एक बंदे का सीमेन हो सकता है, ये पूरा गैंगरेप है इस पे, तो और एक बंदे को मोरा बनाकर यहाँ आपने आगे बिठा दिया, बाकी यहाँ पे तो बहुत बड़ा हाथ है ना, बहुत बड़ा एक स्कैम चल रहा है ना, तभी तो आप सबको बचा रहे हो ना, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज इस चीज़ को इस डीपली इस पे जांच हो, और जो सजा मुकर्रर करनी है करनी चाहिए, एक डर बैठाना चाहिए लोगों के अंदर कि ऐसा करने से भी
सोचे था एक बार पहले सोचे डरे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं बोला है, मतलब ऐसे डायरेक्ट कोर्ट इन्वॉल्व होती है तो मुझे लगता है शायद सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरवीन करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक दिख रहा है कि इसमें ना कोई पॉलिटिशियंस की फैमिली इन्वॉल्व है जो इंटरनल, ऐसा लगता है आपको? हाँ मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आखिर वो स्वेफ किसको कर रही हैं, क्वेश्चन तो यही उठता है ना। मुझे इतना ही कहना है और मुझे उम्मीद है कि ये भी कहना है कि ये जो सीमेन की बात चल रही वो भी मतलब फैक्चुअली पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो गलत नहीं हो सकती ना। और जो जो उनके डॉक्टर हैं, जो लड़की है मतलब मौमिता, उनके जो यूजी के जो उनके डॉक्टर रहे हैं, मतलब जो प्रोफेसर रहे हैं, उन्होंने खुद आकर के ये इंटरव्यू दिया है और उन्होंने खुद ने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा है, फिर उसके बाद हाईकोर्ट में केस किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बेसिस पे ही हाईकोर्ट में अपील हुई है कि ये गैंगरेप है, इट्स नॉट ए फॉर अ सिंगल पर्सन, ये एक गैंगरेप है, इसमें 5 से 6 लोग शामिल हैं। आप एक डॉक्टर हैं, कंप्लीट हो चुका है आपका? जी मेरा यूजी हो चुका, मैं एक्सपीरियंस ले रही हूँ, उसके बाद पीजी का देखूंगी। तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं स्टूडेंट के, या मुझे वहाँ पे इतना बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आपके पास आप फीमेल डॉक्टर की ड्यूटी लगा रहे हो, आपके पास डॉक्टर ड्यूटी रूम नहीं है, उनके लिए एक हर वार्ड के हर यूनिट में एक डॉक्टर ड्यूटी रूम होता है, वो आपके पास है ही नहीं, फिर आप किस लिए किस बेसिस पे आप फीमेल को प्रोटेक्शंस दोगे, किस बेसिस पे आप दोगे? कल को कोई पेशेंट भी बौखला सकता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तरह तरह के पेशेंट होते हैं, कोई पेशेंट भी बौखला सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। नर्सेज के लिए रूम होते हैं, डॉक्टर्स के लिए रूम होते हैं, जब डॉक्टर्स के लिए नहीं है तो नर्सेज के लिए भी नहीं है, वहाँ तक वो पेशेंट भी सेफ नहीं है, कोई फीमेल पेशेंट भी सेफ नहीं है वहाँ पे। जो पकड़ा गया है संजय राय, वो सुनने में आता है कई बार बदतमीजी भी कर चुका था, वो बदतमीजी करता वहाँ पे, वो बदतमीजी कर उसके अड़ोसी पड़ोसी एवरीवन इसके बारे में यही बोल रहे हैं, वो किसी से बदतमीजी करता, वो पोर्नोग्राफी एडिक्ट है, उसकी 3 बीवियाँ छोड़ चुकी, उसकी बीवियों ने भी यही क्लेम किया है कि वो उनके साथ अब्यूजिंग करता, सेक्सुअल अब्यूज करता था। सुप्रीम कोर्ट देखिए, जुडिशरी पे ही हम बिलीव कर सकते हैं, एक जुडिशरी ही हमारे पास ऑप्शन बनता है। पुलिस हर चीज़ को डिनाई करती जा रही कि हमने ये नहीं कहा, हमने वो नहीं कहा, ये फर्जी चीज़ें चल रही है। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, ये इंडिया एक यूथ कंट्री है, ठीक है, और यूथ को हमेशा अपने राइट्स के लिए लड़ना ही पड़ता है। अभी आप देख सकते हैं कि दिल्ली में क्या हुआ था, ठीक है, पटे ये आपका यूपीएससी स्टूडेंट के साथ क्या हुआ था, मैं खुद भी एक यूपीएससी स्टूडेंट हूँ और मैं खुद बता रही हूँ कि हम लोग बहुत मेंटली टॉर्चर होते हैं, मतलब हमें कोचिंग वाले इतनी महंगी महंगी फीसेस लेते हैं, उन पर कोई कंट्रोल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं। मुझे लगता है हर चीज़ पे थोड़ा रेगुलेशन होना चाहिए, कोई कुछ भी अपना मनमानी काम कर रहा है, ठीक है। अब आप ऐसा केस देख लीजिए कि एक डॉक्टर है बेचारी, ट्रेनी डॉक्टर है, उसके साथ ये कांड हो रहा है, मतलब बच्चे जाए कहाँ? हर चीज़ के लिए हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा है, रोडों पर उतरना पड़ रहा है, हम रोड पर उतरने के लिए नहीं बने ना, हमें अपना करियर खुद बनाना है। जिस कंट्री का भविष्य यूथ है और यूथ अगर रोड पर है तो आप खुद सोचिए फिर उस कंट्री का भविष्य क्या। इतनी सारी मूव चली गई, समझ में नहीं आया, तोड़ फोड़ मचा दी, उसके पीछे क्या लग रहा है? उसके पीछे मुझे ऐसा 7000 लोग बताए जो ये ना, ये गवर्नमेंट ही करा रही, जैसा मैंने आपको बोला कि कोई ना कोई ऐसे इन्वॉल्वमेंट है जो गवर्नमेंट, जो क्या बोलते हैं एमपी एमएलए किसी के भी बच्चे हो सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकता है, तो उन्हीं को हाइड करने के लिए कि एविडेंस मिटा दिए जाएँ, वो सबको ही वो सभी लोगों का यही लग रहा है कि एविडेंस मिटाने के लिए उन्होंने ये काम किया है। लेकिन उनका कहना है कि कॉन्फ्रेंस रूम तक वो लोग नहीं पहुँचे थे। हाँ तो कॉन्फ्रेंस रूम का चाहते थे, वो बोल ही यही रहे थे मुझे कॉन्फ्रेंस रूम किस फ्लोर पे कहाँ पे जाना है, आपने देखा होगा न्यूज़ में, वहाँ पे डॉक्टर ने खुद शूट किया है वहाँ पे। हाँ, तो एक्सेस ही उसी का चाहते थे, ये गुंडे इन्होंने 1000 की तादाद में भेजे हैं, किसको बचाने की कोशिश करें, समबडी इज देयर जो पावरफुल है उसको बचाने की कोशिश करें, इज्जत का सामान, उनकी इज्जत का आगे दूसरे की इज्जत नहीं थी क्या, उस लड़की की इज्जत नहीं थी जो तुमने तार तार कर दी? इकलौती बेटी थी वो भी, इकलौती बेटी थी, कैसे माँ बाप ने कितनी उम्मीदों से क्या सपने देखे होंगे, सारे सपने उसके तार तार हो गए, सारे सपने टूट गए। एग्जैक्टली, पूरी एक पल में 40 मिनट में पूरी तहस नहस दुनिया कर दी।